नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ चुकी है। लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है ORP रिवीजन को लेकर। सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुट जाएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप देख सकते हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के जरिए हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट यहां पर दी गई है। लीगल नोटिस जारी किया गया है, आप सभी देख सकते हैं। ORP अपडेट, लीगल नोटिस फॉर कंप्लायंस विद द ऑर्डर डेटेड 16 मार्च 2022 पास्ड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन सेंट टू सेक्रेटरी DESW एंड डिफेंस सेक्रेटरी बाय आवर लॉयर्स। जो हमारे लॉयर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो भेजा गया लीगल नोटिस, एक कॉपी इसकी कोर्ट में भेजी गई है। डिफेंस सेक्रेटरी जो हमारे DESW है उसके द्वारा और लॉयर्स के द्वारा ये एक तरह से रिमाइंडर है हमारे जो गवर्नमेंट है उसके लिए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि किस प्रकार से उन्होंने 5 साल में रिवीजन के लिए कहा था, लेकिन क्या उसका फ़ायदा निकला और किस प्रकार से रिवीजन हुआ या नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन को जो उनकी शर्तें थे उनको दोबारा से रिमाइंड करने के लिए। आप ये एक बार मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। ये आप लेटर देख सकते हैं, ये जो है लीगली भेजा गया है। इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, फॉर कंप्लेंस विद द ऑर्डर डेटेड 16/3/2022, जो 16 मार्च 2022 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके संदर्भ में ये एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के द्वारा ये ऑफिशियल लेटर भेजा गया है, जिसमें ये जवाब मांगा गया है कि आखिर जो हमारे एक कोर्ट के द्वारा भेजा गया ही ये नोटिस है, जिसकी दोबारा से कॉपी भेजी गई है, कि जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि 5 साल के अंदर तुरंत से 5 साल के बाद रिवीजन होगी, लेकिन क्यों नहीं हो रही है, ये रिमाइंडर है। आप देख सकते हैं कोर्ट का भेजा गया नोटिस है जिसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं कि 5 साल में ऑटोमेटिक रिवीजन होगा, लेकिन जब रिवीजन नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो उसके जो रिमाइंडर में ये हमारे लॉयर्स ने लीगल नोटिस भेजा है कोर्ट के पास। तो आप देख सकते हैं, ये इसके साथ एक फाइल अटैच भी की गई है जिसमें हमारे पेंशनर्स के जो पेंशन रिवीजन को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि जो सभी पेंशन धारक हैं उनकी जो अलग से 5 ईयर्स में जो भी उनका रिवीजन होना था, प्रत्येक रैंक का जो है उसका डिस्क्रिप्शन के साथ अलग से बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से जो डिवीजन टेबल जारी की जाए, हर एक रैंक की उसकी क्वालिफाइंग ईयर ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग डिटेल्ड में जानकारी दी जाए, जिससे कि पेंशन धारकों को ये पता चले कि जो सेम ईयर में रिटायर्ड हैं उनकी पेंशन सेम है या नहीं। इस संदर्भ में ये जारी किया गया है, और इसमें आपको बता दें कि 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट की अपडेट भी आई थी कि जो पेंशन रिवीजन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, यानी कि प्रोसेस चल रही है। तो लेकिन उसमें कमी क्या रही, उसमें कमी ये रही कि सरकार ने ये टाइम नहीं बताया कि आखिर वो प्रोसेस कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो कंप्लीट होने पर ही हमारे जो पेंशन धारकों की पेंशन है वो रिवाइज होगी, तो उसे लेकर भी आज ये अपडेट आ चुकी है कि 2 वीक के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 वीक के अंदर अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आपकी पेंशन रिवाइज की जाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जैसे ही कोई भी बड़ी अपडेट निकल कर आती है हम तुरंत से आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।